अरे बंद करो ये नाच गाना। आइए आइए। अच्छा तू जस्टिस चौधरी हो रहा है जो यहाँ के अनाउंसमेंट करेगा कि कौन नाचेगा और कौन ना नाचेगा। अरे जस्टिस चौधरी नहीं, हम हैं सुरीले सक्सेना नल चला के। हल चला के भी होता ना तो भी क्या कर लेता तू। अरे कर तो हम अभी भी कुछ नहीं पाए हैं नल चला के। ओ, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? मैडम बात ऐसी है कि हमारी नई नई शादी हुई है और हमारी वाइफ दीवानी है। ओ, किसकी दीवानी है यार? अरे किसके तो हम दीवाने हैं। वो हाथ आए तभी तो किस करें ना। नहीं नहीं महाराज, इनके पूछने का मतलब ये है कि तुम्हारी बीबी किसकी दीवानी है, पड़ोस वाले की या पड़ोस वाले की? अरे क्या बकवास कर रहे हैं दादाजी। अरे हमारी वाइफ क्यों किसी की दीवानी होंगी नल चला के? अरे अभी तो तुमने कहा कि मेरी बीवी दीवानी है। हाँ दीवानी है, मतलब उनका नाम है दीवानी सक्सेना नल चला के। नाम के आगे भी बढ़ ले थोड़ा बोल ले आगे भी। मैडम बात ऐसी है कि जब से हमारी बीवी शादी होके आई हैं तब से पूरा पूरा दिन बाथरूम में नहाती रहती हैं। मैडम सुबह 9 बजे घुसती हैं बाथरूम में और शाम को 5 बजे कभी कभी तो 7 बजे बाहर आती हैं नल चला के। ओह लगता है तुम्हारी बीवी को नहाने का बड़ा शौक है। सॉरी मैडम सॉरी। तहने रहा तहाने का शौक हो रहा है। ऐसा है ना थारी बीबी मंदाकिनी हो रही, सावर क्वीन हो रही, तो हम क्या करें? ऐसे पारिवारिक केस ना लाया करो थाने में, बी ओनली एंटरटेन क्रिमिनल केसेज। नहीं नहीं मैडम, आप ही कुछ कर सकती हैं नल चला के। ना मतलब मैं थारी बीबी के बाथरूम में चली जाऊं ना, वहां जाके जो है उसका सावर बंद कर दूं मैं, हैं शैंपू और साबुन वगैरह छुपा दूं, टॉवल गायब कर दूं मैं। नहीं नहीं मैडम, आप सिर्फ इतना कीजिए कि उन्हें यहाँ बुलाइए, उन्हें समझाइए कि उनका शावर के प्रति नहीं बल्कि शौहर के प्रति भी कुछ फर्ज है। मैडम मैंने सुना है कि आप लोगों की बहुत हेल्प करती हैं, प्लीज मैडम मेरी हेल्प कीजिए वरना एक सुखी संसार बसने से पहले ही उजड़ जाएगा नल चला के। अरे यार सुखी संसार वगैरह की बातें हो रही है यहाँ तो सही है, कल अपनी स्नान बत्ती बाथरूम की रौनक ने लेकर आओ थाने में, चलो निकलो। जी आइए 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 आइए। ओ, 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 योर वाइफ? जी। ओह नमस्ते जी। मैडम हमारी बीवी। ओ नॉन स्टॉप नहाओ चेन स्नानर, क्यों न मईके में बाथरूम ना था जो ससुराल में आते ही जो है कतई बाथरूम में इतना नहाली टाइलें घिस रही है बाथरूम की। मैडम इसमें कसूर इनका है, गाइए ना। मैडम मैं लवर हूँ। किसकी लवर? दादाजी आपकी पोती की उम्र क्यों हो रही है, तो जरा पोती के संग मस्ती ना करें वरना हस्ती मिटा दूंगी मैं। बोलिए मैडम। मैडम मैं तो लवर हूँ, म्यूजिक लवर। म्यूजिक मेरी कमजोरी है, मेरा शौक है, मेरा जुनून है, गाइए ना। लेकिन मैडम मैंने इनसे इसलिए शादी की क्योंकि इनका नाम है सुरीले, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो एक नंबर के बेसुरे हैं, गाइए ना। अबे तो इसके सुरीले और बेसुरे होने से थारे नहाने का क्या रिलेशन हो रहा? रिलेशन है मैडम रिलेशन है, हमारे बाथरूम से लगा हुआ हमारे पड़ोसी का बाथरूम है और वो क्या गाता है, कभी किशोर की कभी रफी की कभी ठुमरी कभी मल्हार। अरे मियां की पुकार तो सुन नहीं रही हो? Yes! मियां की मल्हार सुन रही हो नल चला के? हाँ क्योंकि मैं लवर हूँ ना, म्यूजिक लवर। मतलब ऐसा है कि पति में कम इंटरेस्ट हो रहा, पड़ोसी की जो है गायकी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही तू ना, मतलब जितने घंटे वो बाथरूम में गाना गावे उतने ही घंटे तू भी जो है बाथरूम में सेटल हो जावे उसका गाना सुनने के लिए, क्लियर? हाँ क्योंकि मैं लवर हूँ, म्यूजिक लवर। देखा मैडम कहानी में एक नया मोड़ आ गया नल चला के। अरे कोई मोड़ ना आया है। मालको। हाँ जी जी मम्मी जी।
जरा धर के लाओ उस बाथरूम सिंगर ने, हम भी देखें कौन हो रहा है जो अपने गा गा के पड़ोसी की जो है बीवी को बरगला रहा। चलो मम्मी जी से जाके मिलो। चलो जी। नाम? जी मल्हार मखीजा दिल खोलकर। हाँ वही मखीजा, थारे से जो है ना इसका पति घना खीजा है। अबे क्यों तू अपने बाथरूम में इतना ही गाना गा ले वे कि इसकी बीवी जो है कतई बाथरूम से निकलने का नाम ना ले रही। और कोई जगह ना मिली थारे घर में गाना गाने के लिए? नहीं नहीं मैडम, हम कहीं और नहीं गा सकते दिल खोलकर, क्योंकि मैडम हम तो बाथरूम सिंगर है ना दिल खोलकर। हाँ ठीक है, बाथरूम सिंगर है वो तो ठीक है यार, लेकिन ये पूरा पूरा दिन घंटों तक अपने बाथरूम में क्यों पड़े रहते हो तुम? और क्या करे क्या करे, और कुछ करने के लिए नहीं है घर में, यूं ही बोर होते रहते हैं दिल खोलकर, तो बस बाथरूम में जाके गाकर दिल बहला लेते हैं हम दिल खोलकर। बेटा दिल तू ना बहला रहा है अपना, थारे चक्कर में यो बहल रही। देखिए मैडम, आप इनसे कहिए कि ये अपनी वाइफ को बाथरूम में आकर हमारा गाना सुनने से रोके दिल खोलकर। नहीं ये नहीं हो सकता, मैं लवर हूँ, म्यूजिक लवर। और आप तो सुरीले हैं, गाइए ना। अरे सुरीले ये नहीं, सुरीले हम हैं। सुरीले सक्सेना नल चला के। आप तो सिर्फ नाम के सुरीले हैं, ये तो सचमुच सुरीले हैं, गाइए ना। देखिए मैडम, इनकी बीवी बेडरूम में रहे या बाथरूम में, वो इनका जाती मामला है दिल खोलकर, और हम बाथरूम में गाएं या किचन में, वो हमारा जाती मामला है दिल खोलकर। तो मैडम इनकी वाइफ की तो ये जाने, हम चाहते हैं कि आप हमें गाने दे और यहां से जाने दे दिल खोलकर। हाँ वैसे मैडम बात तो सही है, अपने घर में इंसान जो चाहे करे उसको हक है। हाँ जी जी मम्मी जी, ये बेचारा तो बेकसूर है जी। मखीजे जी, चल बेटा तू निकल ले, और तू साबुन की दीवानी शैम्पू की मलिका तू भी निकल ले। भाभी जी चलिए, हम भी घर की तरफ ही जा रहे हैं दिल खोलकर। तो गाइए ना। गाते हैं ना चलिए। अरे मैडम ये क्या, अब हम क्या करेंगे नल चला के? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है। तुम्हारी आंखों में मिर्च मल दूंगी फिर देगा आइडिया। कोने में तो आइए, मतलब सुनिए आइडिया मैडम सुनिए। देखिए मैडम, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है उसी तरह सिंगर सिंगर को काटेगा। मैडम अगर इसकी बीवी गाने की दीवानी है तो अगर ये गाना शुरू कर दे तो इसकी बीवी इसकी भी दीवानी हो जाएगी, सिंपल। नहीं 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 नहीं, हम गाना नहीं गा सकते नल चला के। मैं कान के नीचे मारूंगा एक स्पेड, तुम गाना सीख लो। yes! अरे तो हमने कहा ना कि हम नहीं गा सकते नल चला के। अबे मारे डैडी का केस ना हो रहा है यो, एक तो ऐसा कतई बेकार नहाने धोने का केस हैंडल कर रहे हैं हम पुलिस वाले, ऊपर से यो एकदम कतई नखरे वाला हो रहा, फिल्म की हीरोइन हो रहा कि मम्मी जाएगी आउटडोर पे और जो है सर्दियों में आम का जूस चाहिए और जो है सारे ही नाटक। गाना सीख। लेकिन मम्मी जी इसको गाना सिखाएगा कौन? यस मैं सिखाऊंगा। तेरे गाना आवे मैं सिखाऊंगा। अरे मैडम पिछली बार जब मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था तो मैं छमिया वार में गाना ही तो गाता था, और वो भी गजल्स। नमस्कार नमस्कार, तो आइए आपकी संगीत की ट्रेनिंग की शुरुआत करते। देखिए संगीत एक सागर है और सागर बूंद बूंद से बनता है, तो पहली बूंद गिराई जाए। हम शुरुआत करेंगे गजल से, गजल से, गजल से, गजल से। आपसे नहीं होगा, आप रहने दीजिए, सॉरी। गजल तो आइए पहला सुर सुनिएगा।
मिलाइए, सुर से सुर मिलाइए, आइए आइए। रे एक से एक बेसुरे सुने मैंने, थारे जैसा बेसुरा दुनिया में कतई कोई ना है। बेटा नेक्स्ट टाइम जो तैने सुर लगाने के लिए या गाना गाने के लिए मुंह खोला तो गन्ना ठूस दूंगी मुंह में। और तू सुरीले, अबे कैसा केस है थारा, एक दो दिन दे हमें, कुछ सोचेंगे, भगवान नहीं है हम, निकल यहां से। आइए आइए। मैडम देखिए, ये हमारी बीवी और ये हमारा पड़ोसी। अरे यार इनको तो हमने पहले भी देखा है, कुछ नया हो तो दिखाओ। बोल क्या हो गया? मैडम ये हमारी बीवी दीवानी को लेके कल पूरा दिन और पूरी रात बाहर रहा नल चला के। और तुम्हारी बीवी रहेगी इसके साथ? हाँ, क्योंकि मैं लवर हूँ ना। हाँ? म्यूजिक लवर, गाइए ना। ओ गाइए ना, सारी जो है ना लबड़पंती निकाल के ही बिखेर दूंगी मैं। और तू, अबे क्यों ले गया इसकी बीवी ने तू अपने संग? देखिए मैडम, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है मैडम। हुआ ये मैडम कि हम घर से बाहर निकले तो हमें घर के बाहर ही इनकी वाइफ मिल गई मैडम। तो बातों ही बातों में हमने इनसे जिक्र किया कि 30 किलोमीटर दूर चिटपुटियागंज में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम है मैडम, दिल खोल के, और हम वहीं जा रहे हैं मैडम। तो बस ये भी हमारे साथ होली मैडम, दिल खोल के। और के जरूरत थी तेने न इसकी बीबी को, जो एकदम ही संगीत लवर हुई जा रही है, इसको ये इन्फॉर्मेशन देने की? तू कतई मोहम्मद रफी से किशोरदास से लेकर मन्ना डे हुआ जा रहा है। और ऐसा जो है थारी आवाज में के बैठा है, जरा मैं भी देख लूं, गई हो जरा। नहीं मैडम, हम यहाँ कैसे गा सकते हैं मैडम दिल खोल के? हाय, गले से गा सकते हैं, और कैसे गा सकते हैं? नहीं नहीं, हमारा मतलब था कि हम तो बाथरूम सिंगर हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाथरूम में ही गाते हैं हम दिल खोल के। ओहो, तो बाथरूम सिंगर को बाथरूम चाहिए। सही है, रेडी। भाई साहब वो पानी ठंडा तो नहीं? रूम टेम्परेचर। रेडी जी, दिल खोल के। ये हुई ना बात। अबे तैयारी हो गई नीला साले को। रेडी मैडम, रेडी, शुरू करें। हाँ चलो भाई, रेडी। अरे आराम से। आ, 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 पानी बहुत ठंडा। दिल खोल के चल गा। अरे बाबा जी, मैं अरे अरे मैं सुबह भी नहाया हूँ, दिल खोल के। अरे गाओ यार, गाओ यार। अरे तुमने ही कहा था बाथरूम सिंगर हो, बाथरूम में गाते हो, नहा रहे हो, गाओ चलो। अरे बाबा देखे वो मैडम, वो क्या है ना कि दिल खोल के मतलब, हाँ दिल खोल के नहीं, गला खोल के गाओ। हाँ ट्राई। गाओ मल्हार गाओ। बता दो इनको कि तुम कितना सुरीला गाते हो। बता दो इनको कि मैं तुम्हारे गाने की कितनी दीवानी हूँ। गाइए ना। ऐसा है बालको, ऐसे गाया जावे गाना। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नहीं मल्हार, ये तुम्हारे सुर को क्या हो गया? रफी और किशोर की आवाज में गाने वाले ये गधे की आवाज में क्यों गा रहे हो? अबे क्योंकि वो गधा ही है। Yes! जिसे तू घोड़ा समझ रही। अबे तैने के बेरा है, यो बाथरूम में खूब गाने गावे। अबे रेडियो ऑन रखता था यो बाथरूम में, जिसे तू इसकी आवाज समझती थी। इसका तो काम ही यो है, दरियागंज में रहता था ना तू, ना गिटार लेके अपनी बालकोनी में बैठा रहता था और पीछे जो है रेडियो ऑन रखता था। ऐसे कई लड़कियों को पटाता था तू, ऐसी एक लड़की रोज मेरी। अब मैं ही बोलूं सारी कहानी या खुद भी कुछ फूट लेगा अपने मुंह से? बताता हूँ मैडम, बताता मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, हमें माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज मैडम। आइए सच है मैडम कि हमारा तो धंधा ही यही था मैडम।
कि दूसरों की बीवियों को म्यूजिक के चक्कर में फंसा लेते थे मैडम दिल खोल के, और फिर उनसे खूब पैसे भी ऐंठते थे दिल खोल के। धरो साले ने और डाल दो जेल में गेट खोल के। मेरा तो संगीत पर से विश्वास ही उठ गया। मेरे पति तो बेसुरे थे, ऊपर से पड़ोसी भी बेसुरा निकला। अब तो मुझे संगीत से नफरत हो गई है, नफरत। हाँ भाई सुरीले, के कह रही बीबी संगीत से नफरत कर रही। अबे ईप तो गाले साले। मैडम हम गा सकते हैं, तुम गा सकते हो। 1986 लखनऊ यूनिवर्सिटी बेस्ट सिंगर अवार्ड, मथुरा सिंगिंग कंपटीशन फर्स्ट प्राइज। बेटा ऐसा है, हमें सब पता है, हम पुलिस हैं, कानून से कुछ ना छुपा। तू एक जमाने में जो है ना अब्बल नंबर का जो है सिंगर हुआ करता था, फिर एक दिन थारे संग एक ट्रेजडी हो गई। थारे पिताजी जो तानपुरा बजाते थे, एक दिन तानपुरा उनके सर पे गिर गया और वो पागल हो गए। यो ही सदमा तू बर्दाश्त ना कर सका, और इसी गम में तैने जो है संगीत से दुश्मनी मोल ले ली, नफरत कर ली तैने संगीत से। अबे लेकिन इस बार बात थारे पिता की ना है, थारे बीवी की हो रही है। डैडी को तो खो ही चुका है पागलपन में, ना बीवी ने भी निपटा के मानेगा के। गा बे। Come on, सुरीले गाओ, तुम गा सकते हो सुरीले, गाओ यार। Come on, सुरीले, come on, गाओ। सुरीले तुम गा सकते हो, वो भी इतने सुर में। सुरीले तुम तो नाम से ही नहीं सच में सुरीले हो। I am love, म्यूजिक लवर। गाइए ना। अरे गाइए ना, घर जाइए ना, खुशी खुशी जो है अपनी वैवाहिक जिंदगी का आनंद लो। और तू कल से रोज सुबह रियाज करेगा तू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने हमारे परिवार को ही नहीं बल्कि हमारे खोए हुए संगीत को भी वापस दे दिया है नल चला के। और सुनो, कल से तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगा नल चला के।